आप देख रहे हो रामदल और रामदल में मैं भरत साधु आप सबका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। भगवान सर्वे सर्वा सिया राम जी का प्रभु श्री राम जी का एक भव्य और दिव्य मंदिर अवधपुरी अयोध्या में निर्माण होने जा रहा है और 5 अगस्त को वहाँ एक भव्य और दिव्य शिला पूजन होने जा रहा है और हमारी हिंदू संस्कृति हमारे सनातन संस्कृति के लिए ये सबसे बड़ी अनोखी अलौकिक पल है क्योंकि जिस घड़ी का 500 सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और अयोध्या में प्रभु श्री राम का श्री रामचंद्राय नमः ओम श्री रामाय नमः ओम श्री राम भद्राय नमः श्री सीतारामाभ्याय नमः हमारे प्रभु श्री का ये भव्य और दिव्य मंदिर जो निर्माण होने जा रहा है उसका शिलान्यास जगतगुरु श्री रामानंद संप्रदाय यानी रामानंदीय परंपरा से हो रहा है। तब हमारे रामानंदी साधु समाज का गौरव और राष्ट्रीय संत सुरक्षा, आज राष्ट्रीय संत सुरक्षा एक बहुत बड़ा संगठन जो भारतवर्ष में स्वामी राजराजेश्वर गिरी जी एवं पद्मनाभ गिरी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा संगठन निर्माण हो रहा है उसमें हमारे रामानंद संप्रदाय हमारे रामानंदी साधु की एक महिला जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है श्री दक्षा जी साधु आज उसके द्वारा प्रभु के इस कार्य के लिए मिट्टी जो आज पूरे भारतवर्ष में अवध में जा रही है उसके लिए कार्यक्रम किया गया और उसके द्वारा सबको आह्वान भी किया गया कि जब 5 अगस्त को जब वहाँ पूजन हो रहा हो वहाँ शिलान्यास हो रहा हो तब अपने घर में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति के सामने दीप प्रागट्य किया जाए। सुरक्षा परिषद की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष दक्षा साधु, इस 5 अगस्त के दिन हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रामलला के मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है उसके लिए पूरे भारतवर्ष में पूरे संत समाज में हमारे रामानंदी संप्रदाय में और पूरे जन जन में बहुत ही हर्ष और उत्साह का वातावरण छाया हुआ है और हमारे राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के संतों के द्वारा वो यहाँ से पूजन करके भूमि पूजन के लिए वहाँ पर मिट्टी और जल पहुँचाए जाने का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तो मैं समग्र देशवासियों को और समग्र भारत को और लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिस दिन भूमि पूजन हो उस दिन हर एक के घर में भूमि पूजन के वक्त पर दिए जलाए जाए और एक अलग दीपावली मनाई जाए। जैसे 14 वर्षों के वनवास के बाद राम जी घर पर आए थे और अयोध्या में आने के बाद एक दिवाली मनाई गई थी, उसी तरह हम सब मिलकर इस भूमि पूजन का बहुत 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 हर्ष उत्साह मनाएंगे और पूरे भारतवर्ष को संत समाज को और सबको इस रामलला के मंदिर के भूमि पूजन के लिए बहुत बहुत ही बधाई हो। और जो रामानंदी परंपरा के अनुसार भूमि पूजन होने जा रहा है तो उसके लिए मुझे पूरा गर्व है और हमारे समाज को भी बहुत गर्व है और मैं पूरे गर्व से बोल कह रही हूँ कि पूरा संत समाज हमारे साथ है, समग्र भारतवर्ष को और फिर से संत समाज को
पूरे विश्व को रामलला के मंदिर के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं और बहुत बधाई हो। जय सियाराम।